जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी एमटीएस एंड हवलदार के पोस्ट पे भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, और दोस्तों अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं सारा आपको बेसिक डिटेल बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अप्लाई डेट की अगर बात हम लोग करेंगे तो 14 जून से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 14 जुलाई तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा, ठीक है ना। यानी कि पूरा एक महीने का समय दिया जाएगा दोस्तों आपको। आपको जैसा कि आपको अभी रिसेंटली में मालूम है कि वर्तमान में एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी चल रही है, जो कि 12th पास पे है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसका ऑनलाइन आवेदन अभी चल रहा है। आइए दोस्तों लौटते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए फीस की बात करेंगे तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपए लगेगा, एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आप लोग बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि नंबर ऑफ टोटल पोस्ट कितने होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूं कि लगभग 5000 पोस्ट पर ये वैकेंसी आएगी, जिसमें कि 4000 पोस्ट पे एमटीएफ और 1000 पोस्ट पर आपको हवलदार के पोस्ट पे वैकेंसी देखने को मिलेगा दोस्तों। और ज्यादातर जो बच्चे अप्लाई करते हैं ना वो एमटीएफ के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। एज लिमिट की बात करेंगे तो दोस्तों एज जो आपका है वो 1 अगस्त 2023 से काउंट होना चाहिए, क्योंकि जो अभी रिसेंटली में एसएससी सीएचएसएल का जो वैकेंसी आई है, इसका ऑनलाइन आवेदन चल रहा है, उसमें भी जो एज जो है वो 1 अगस्त 2023 से काउंट किया जा रहा है। ये फुल नोटिफिकेशन आने के बाद पूरी तरीके से क्लियर होगा दोस्तों, लेकिन जहां तक मैं एक अनुमान के तौर पर बता रहा हूं 1 अगस्त 2023 ही एज काउंट होना चाहिए, ठीक है ना। एज की बात करेंगे तो 18 साल से लेकर के 25 साल तक के जो कैंडिडेट है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किसी किसी पोस्ट के लिए 27 साल भी मांगा जा रहा है, ठीक है ना, तो वो पोस्ट वाइज होगा। रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल का यहां पे छूट मिलेगा दोस्तों। तो पर्याप्त मात्रा में यहां पे एज दिया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे ना दोस्तों तो केवल 10th पास। अगर आपने जीडीएस में फॉर्म अप्लाई किया था तो दोस्तों आप लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप लोगों का नहीं हुआ है तो, ठीक है ना। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो केवल देखिए 10th पास पे ये भर्ती आई है दोस्तों, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और एग्जाम डेट, एसएससी की सबसे बड़ी खासियत ये है ना दोस्तों कि अप्लाई डेट, एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड डेट सब कुछ पहले से हुआ जारी कर देता है अपने कैलेंडर में, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। एग्जाम डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक इसका एग्जाम चलेगा। और सिलेक्शन प्रोसेस आपके लिए जानना बेहद जरूरी है दोस्तों, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत होता है। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा दोस्तों, क्या क्या क्राइटेरिया होगा वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, जो फिजिकल आपके लिए होगा दोस्तों वो हवलदार के पोस्ट के लिए होता है, ठीक है ना, एमटीएस के पोस्ट के लिए फिजिकल नहीं होता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा दोस्तों। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं कि रिटन सिलेबस में पार्ट 1 यानी कि पार्ट 1 में क्या सिलेबस रहने वाला है ये समझ लेते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे, 120 मार्क्स का, यानी कि जो आपका एक क्वेश्चन रहेगा ना वो 3 अंक का रहेगा। उसके अलावा 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा दोस्तों, और कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पार्ट 1 का जब एग्जाम आप क्रैक करोगे तब पार्ट 2 में बैठने को आपको मौका मिलेगा, एग्जाम देने को मौका मिलेगा, ठीक है ना। किसके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे ये देख लेते हैं। मैथ से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और इसमें किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 सिलेबस की बात करते हैं। और देखिए जो फाइनल मेरिट आपका बनेगा ना ये पार्ट 2 के सिलेबस पे बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, 150 मार्क्स के, यानी कि जो एक क्वेश्चन आपका होगा वो 3 अंक का होगा दोस्तों, और इसमें आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। एक गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और यहां निगेटिव मार्किंग भी है तो एक गलती करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा सीधे सीधे। तो आपको यहां पर तुक्का नहीं लगाना है। किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में जैसे जीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनरल अवेयरनेस तो रहेगा ही। उसके अलावा इंग्लिश की बात करेंगे तो उससे भी 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, यानी कि दोनों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आपके हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल का, कि ये देखिए ये जो फिजिकल आपका होगा ना ये केवल हवलदार के पोस्ट के लिए होगा, ठीक है ना, ये एमटीएस के पोस्ट के लिए नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ज़्यादातर बच्चे जो है वो एमटीएस में अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किस स्टेट का कट ऑफ कम जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं दोस्तों, जो कि हवलदार के लिए है, तो मेल और फीमेल दोनों का मैं अलग बताऊंगा। वॉकिंग, वॉकिंग का मतलब होता है पैदल चल।
अब कितना पैदल चलना होगा, तो 15 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर के पैदल आपको चलना होगा दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए। और वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 20 मिनट के अंदर जो आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें तो बच्चा भी चल लेगा, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें तो रेस भी नहीं होना है, तो यह तो आप क्वालिफाई कर ले जाओगे। उसके बाद अगर हाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट का 157.5 सेंटीमीटर, यदि आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है ना एससी कैटेगरी हो तो आपका 157.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाएगा, और आप अगर एसटी कैंडिडेट हो तो 152.5 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तो दोस्तों आपका चलेगा, ठीक है ना, आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 152 सेंटीमीटर सभी कैंडिडेट के लिए दोस्तों, एसटी कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 139.5 सेंटीमीटर होना चाहिए जिससे कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्राइटेरिया होगा हाइट का। चेस्ट की बात करेंगे दोस्तों तो मेल कैंडिडेट का 81 से लेकर के 86 सेंटीमीटर के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए जिससे कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और वेट की बात करेंगे तो फीमेल का वेट जान लीजिए कि 48 केजी से आपको ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। लड़कियां खासतौर पे ध्यान दें, जो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएफ एससी कैटेगरी है उनका जो वेट है वो 48 केजी होना चाहिए, और एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो अगर आप 46 केजी से ऊपर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यही सारा क्राइटेरिया था फिजिकल एलिजिबिलिटी में। अब समझ लेते हैं दोस्तों कि जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सारे छात्रों को ये मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसमें काम क्या करना पड़ता है, काफ़ी सारे कैंडिडेट को नहीं पता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एमटीएस के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो ना, तो दोस्तों इसमें आपका ऑफिशियल वर्क रहेगा, ठीक है ना, ऑफिस वर्क रहेगा दोस्तों, जैसे कि जीरोक्स करना यानी कि फोटोकॉपी करना, उसके अलावा डाटा एंट्री का काम दिया जा सकता है, फाइल को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पहुंचाना या फिर एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास पहुंचाना, है ना, कंप्यूटर पे आपका काम रह सकता है दोस्तों, यानी कि भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय में अलग अलग आपको काम दिया जा सकता है, लेकिन जो आपका काम रहेगा वो ऑफिस वर्क रहेगा दोस्तों, फील्ड वर्क नहीं रहेगा, ठीक है ना, एमटीएस के पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पर अगर हवलदार की पोस्ट की बात करूंगा दोस्तों, तो इसमें तो आप लोग को मालूम ही है कि हवलदार के पोस्ट में क्या होता है। हवलदार के पोस्ट में आपका जो काम रहेगा वो फील्ड वर्क रहेगा दोस्तों, जैसे कि हवलदार में तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना, आपको तो मालूम ही होगा कि हवलदार लोगों का क्या काम रहता है, तो सेम वही रहने वाला है, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ की, कि सबसे कम कट ऑफ जो है वो कहां जाता है, सबसे ज्यादा कट ऑफ कहां जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे सबसे कम कट ऑफ वाले स्टेट की, तो दोस्तों सबसे कम कट ऑफ वाला जो स्टेट है वो होगा गुजरात, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के सेक्टर में दोस्तों वहाँ पे आपको कम कट ऑफ देखने को मिलेगा, और महाराष्ट्र के जो स्टेट में आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है दोस्तों वहाँ पे थोड़ी वैकेंसीज कम रहती हैं, लेकिन उसके अलावा भी गुजरात महाराष्ट्र ऐसे स्टेट है दोस्तों जहाँ पे कट ऑफ कम जाता है। ज़्यादा कट ऑफ की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आपको मालूम है जैसा यूपी बिहार है ना झारखंड मध्य प्रदेश राजस्थान, तो ये सब ऐसे एरियाज हैं जहाँ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। और एक सवाल आपके मन में और होगा कि सर ये बताइए कि जो आप ये जो पेपर होंगे पार्ट वन और पार्ट टू का, वो अलग अलग दिन में होंगे या फिर एक ही दिन में होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पेपर होगा आपका एक ही दिन में होगा, ठीक है ना। पहले पार्ट वन का पेपर होगा, अगर पार्ट वन आप क्वालिफाई करते हो उसके आधे घंटे के बाद आपका पार्ट टू का एग्जाम होगा, और जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना वो पार्ट टू के सिलेबस पे बनेगा दोस्तों। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वो पार्ट टू के सिलेबस पे करना है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पर फोकस करना है, तब जाकर के आप लोग सिलेक्ट हो पाओगे, ठीक है ना। तो दोस्तों सारा ए टू जेड जानकारी मैंने आपको दे दिया, आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस भर्ती के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी सवाल हो ना तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।